नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में ओबीसी महासभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ओबीसी एससी एसटी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में हाल ही में भाजपा पार्टी से निष्कासित हुए प्रीतम सिंह लोधी भी पहुंचे। प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि हमें दोनों पार्टियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह पार्टियां ओबीसी एससी एसटी का भी भला नहीं चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें समाज में फैली कुरीतियां दूर करनी होगी और पाखंडवाद को जड़ से खत्म करना होगा। उन्होंने बीडी शर्मा पर भी तंज कसा और कहा कि वह जातिवाद करते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि ओबीसी एससी एसटी मिलकर 2023 का चुनाव लड़ेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी एससी एसटी वर्ग मिलकर अपने वोट की ताकत नहीं दिखाएगा, तब तक हम लोग आगे नहीं आ पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सरकार हमारी जातिगत जनगणना नहीं करा रही। उन्होंने कहा कुत्तों बिल्लियों एवं जानवरों की जनगणना है, लेकिन इंसान की जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती है। ना ही ओबीसी को 27% आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही ओबीसी एससी एसटी एक साथ मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कार्यक्रम के दौरान पूरे देश प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी के कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम में टीकमगढ़ जिले से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बलदेवगढ़ पहुंचे। क्या आपकी बहन बेटी सुरक्षित है? क्या किसानों की 2022 में दुगनी आएगी? सभी लोग आज आपके लिए आपके प्रशासन के अधिकारियों से हाथ का निवेदन है। आज आपके लिए आपके हमारे कुछ गाड़ियों को लोगों को जादू कुछ किया तुम्हारे बच्चों को आप